हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपकी सारी फेवरेट एसयूवीज के बारे में। और दिवाली है, फेस्टिव सीजन है, कौन सी कार्स है भाई, कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं जो कंडम हो सकती हैं आपके लिए। व्हेन आई से कंडम, ये एक वैसे स्लैंग है, पहले हम काफी यूज करा करते थे। इसका मतलब होता है कि ऐसी कार जो बेसिकली आपकी नीड्स को फुलफिल ना करे। अब जब आपने थंबनेल देखा होगा तो हो सकता है आपने सोचा हो कि भाई सारी कार डाल दी, सारी थोड़ी कंडम है। बट दोस्तों, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली कार नहीं लेते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इवन दो ये टॉप सेलिंग कार्स है, पर कैसे कंडम बन सकती है अगर आपने सही वक्त पे सही कार नहीं ली। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आपकी फेवरेट कार महिंद्रा XUV 3XO से। अब ये काफी अच्छी कार है और इनफैक्ट जिन भी कार्स के बारे में बात करने वाले हैं ये अच्छी कार्स ही हैं, पर मैं आपको बताऊंगा ये कहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। सबसे पहले अगर हम XUV 3XO की बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है इस कार की जो माइलेज है। कई सारी ऐसी कार्स ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं जहां पे आपको माइलेज ज्यादा अच्छे मिल सकती है, तो XUV 3XO की माइलेज जो है कई सारे ऐसे सिचुएशंस में, जैसे बम्पर टू बम्पर अगर आप चलाते हो, कभी कभी तो भाई सिंगल डिजिट में भी माइलेज चली जाती है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मोस्ट ऑफ द चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ इस वीडियो में, जो भी फीडबैक्स मैं आपको दूंगा, ये सारे फीडबैक्स कार कम्युनिटी से आते हैं, कार एंथुसियास्ट से आते हैं। जो लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, जो ये कार चला रहे हैं, जिनके पास एक कार है, ओनर्स हैं, ये सारे उनके कमेंट्स जो हमारे पास आते हैं हम सारे कंपाइल करते हैं और उसके बाद एक निष्कर्ष पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तीन लोगों ने बोला कि माइलेज कम है तो मान गए। जब हम नोटिस करते हैं कि भाई 50-60-100 कमेंट्स के आसपास आ रहे हैं, तो 100 लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते वो झूठ नहीं बोल सकते। सो XUV 3XO की जो माइलेज है काफी ज्यादा अच्छी नहीं आती बम्पर टू बम्पर सिनेरियो में। सिटी में भी इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी माइलेज नहीं आपको प्रोवाइड कर पाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, महिंद्रा XUV 3XO में आता है टर्बो इंजन। सो बेसिकली टर्बो इंजन में एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, साथ ही में इसमें जो मेंटेनेंस है थोड़ी सी ज्यादा होती है वर्सेस NA इंजन। सो ये दो चीजें सुनने के बाद आप सोच रहे हो कि भाई 3XO की बुराई कर रहा है, अभी एक कमेंट करता हूं। अरे ऐसा नहीं है यार, देखो हर कार की अपनी एक वैल्यू होती है। अब अगर हम बात करें बुराइयों की तो हमने थोड़ी सी कर ली, अब हम बात करते हैं अच्छी बातों की कि इस दिवाली न्यू ईयर पे 3XO किसे लेनी है। अगर आप ये थोड़ी सी चीजें मैनेज कर सकते हो जो हमने डिस्कस करी हैं, आपको कम पैसों में सेफेस्ट कार चाहिए, तो आज की डेट में आप XUV 3XO पे जा सकते हो। अगर आपको अंदर बैठने के बाद भाई कार में काफी अच्छा स्पेस चाहिए जो आपको इसके कंपटीशन की बाकी किसी कार में नहीं मिलेगा, चाहे ब्रेजा हो, वेन्यू हो, नेक्सॉन हो, व्हाटसोएवर, 2600 mm का अंदर बैठने के बाद व्हील बेस आपको फील होगा, जिसकी वजह से लेग रूम काफी अच्छा मिलता है। अगर आपको कार में पावर चाहिए, आप सोचते नहीं हो माइलेज के बारे में यार, आप मैनेज कर सकते हो माइलेज के इश्यूज, आपको टॉप नोच पावर चाहिए इंजन के अंदर, सो यहाँ पे 3XO इज द कार फॉर यू। अभी खत्म नहीं हुई बात दोस्तों, अगर आपको सारे बढ़िया फीचर्स चाहिए कार के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए पैनारोमिक सनरूफ कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर ही, आपको चाहिए एक अमेजिंग कार सिस्टम के भाई गाने सुनने में एम्पलीफायर वूफर के साथ मजे आ जाए, आपको इनफैक्ट डीजल के अंदर ऑटोमेटिक चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है आपको महिंद्रा XUV 3XO के अंदर ऑफर हो जाएंगी। अगर हम बात करें लास्ट में एक छोटे से कंक्लूजन की, देखो 3XO एक बेस्ट रीसेल आपको ऑफर नहीं करती है, ठीक ठाक है, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि टॉप नोच रीसेल बेस्टेस्ट मिलेगी आपको, तो XUV 3XO में ये वाला सिनारियो नहीं है। दोस्तों 3XO की एक अच्छी बात ये भी है कि ये आपको डीजल में भी अवेलेबल है, तो अगर आप डीजल लेते हो तो ये जो माइलेज वाली प्रॉब्लम है ये आपको सॉर्ट आउट हो जाएगी, पर थोड़े से रूल्स रेगुलेशन देख लेना, आने वाले दिनों में डीजल के ऊपर थोड़े से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, इसीलिए मैं किसी को भी अपफ्रंट डीजल कार खरीदने की सजेशन नहीं देता हूं, पर अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो जस्ट गो अहेड एंड बाय द डीजल। तो लिस्ट की जो नेक्स्ट कार है वो महिंद्रा 3XO जैसी ही है, इस कार का नाम है टाटा नेक्सॉन। इनफैक्ट BNCAP भारत NCAP में रिसेंटली क्रैश टेस्ट हुआ है और 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑलरेडी लेके आ चुकी है। मैंने जब कहा कि 3XO सेफ है उसका रीजन ये था कि 3XO XUV 300 पे बनी थी तो उसका 5 स्टार की रेटिंग आई थी एक बार को, पर हालांकि 2024 में 3XO का टेस्ट नहीं हुआ है, पर टाटा नेक्सॉन का 2024 में भी क्रैश टेस्ट हुआ है ग्लोबल NCAP से भी और भारत NCAP से भी। तो उस नजर से अगर हम देखें तो पहले रैंक पे भाई नेक्सॉन को रखा जाए, सेकंड पे 3XO का रख लो चाहे। अब दोस्तों यहां पर भी आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन देखने को मिलता है, और अगर मैं माइलेज की बात करूं इसकी XUV 3XO से थोड़ी सी बेटर है, लाइक 19-20 का फर्क है, ऐसा नहीं है कि काफी अच्छी माइलेज आपको मिलती है, सिनारियो सेम ही है, यहाँ पे भी आपको टर्बो इंजन देखने को मिलेगा और टर्बो इंजन की मेंटेनेंस, पार्ट्स की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट थोड़ी सी आपको ज्यादा मिलती है वर्सेस NA इंजन।
पर दोस्तों नेक्सॉन जो है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO से कुछ चीजें एक्स्ट्रा लेके आती है। फॉर एग्जांपल कार का जो बूट स्पेस है नेक्सॉन का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, काफी अच्छा है। इनफैक्ट अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करें तो नेक्सॉन की ग्राउंड क्लियरेंस काफी सही है। हालांकि देखा जाए जो डिफरेंस है कुछ एमएम में आता है, बट यस अगर हम ऑन पेपर बात करें कि एक्चुअली में ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको नेक्सॉन में देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई टाटा नेक्सॉन खरीदें या फिर हम महिंद्रा एक्सयूवी 3XO खरीदें। हालांकि देखो बेस मॉडल जो 3XO का था 8.5 लाख रुपए का रेट चल रहा था, पर अब ये जो है 8,80,000 रुपए के आसपास जा चुका है। 30,000 रुपए रिसेंटली महिंद्रा ने बढ़ाए हैं। पर अगर हम नेक्सॉन की बात करें आपको आई थिंक 9 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड मिल जाएगी। शहरों में थोड़ा सा अलग अलग रेट चलता है। तो इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे काफी सारी वीडियो है जहां पे हमने इनको इनडेप्थ कंपैरिजन करा हुआ है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों टाटा नेक्सॉन भी डीजल में अवेलेबल है, तो सेम ही सिचुएशन रहेगी जो मैंने 3XO के लिए बात करी थी। टाटा का डीजल इंजन भी काफी सही है, पर अगर आपको पेट्रोल के अंदर टर्बो के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्मूथनेस फील करनी है तो वहां पर आपको वो थोड़ी सी ना 3XO में ज्यादा फील होगी। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि कार स्टार्ट करने पे गियर लेवर हिलता हुआ नहीं देखना चाहते तो उस केस में आप टाटा नेक्सॉन की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों लिस्ट की जो नेक्स्ट कार है वो है मारुति ब्रेजा। अब अगर हम बात करें ब्रेजा की खासियतों की तो काफी ज्यादा खासियतें हैं, पहले थोड़ी सी बुराइयां कर लेते हैं। सबसे पहले ये कार खरीदने के बाद आपको ना ये ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आपने बहुत अच्छी कार ले ली, क्योंकि जो कार के इंटीरियर है ना थोड़े से डल और फेडेड फील होते हैं। हालांकि मारुति ने कार के इंटीरियर बनाए कुछ इस तरीके से है कि इनकी लाइफ काफी समय तक चलती रहे। इन पे पॉलिश मारोगे तो दोबारा से नए हो जाएंगे। कार की जो क्लैडिंग है उसको भी काफी पॉलिश वगैरह मारनी पड़ती है, सो इंटीरियर वाइज कार काफी अच्छी नहीं लगती है। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें कार के स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की तो मैनेजेबल है, काफी अच्छा है। पर अगर हम इसको बाकी एसयूवी से कंपेयर करते हैं तो आपको बेटर ऑप्शन भी स्टीयरिंग के मिल सकते हैं। अब यहां पर जब मैं बोल रहा हूं कि बेटर ऑप्शन में मिल सकते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि ब्रेजा का स्टीयरिंग काम ही नहीं करता, चलती गाड़ी टूट जाती है। दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। आई एम सेइंग जो सेंसिटिविटी है उसके थोड़े से एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल 3XO में आपको सेंसिटिविटी स्टीयरिंग मोड्स भी मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो बुरी चीज मुझे ब्रेजा में लगती है, आपको जो है ट्रांसमिशन में 5 गियर्स मिलते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग जिनको 6 गियर पसंद हो वहां पर ये चीज आपको नहीं मिल पाएगी। कार डीजल में अवेलेबल नहीं है तो वहां पे भी थोड़ा सा लैग करती है। इनफैक्ट अगर हम सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार एक बार ब्रेजा का आया था ग्लोबल एनकैप में, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस कार की नहीं है। इनफैक्ट बेस मॉडल से इसमें 6 एयरबैग्स नहीं आते, उसके लिए आपको टॉप वेरिएंट लेना पड़ेगा। बट अगर हम इसकी अपोजिट बात करें कार की अच्छी चीजों की कि आपको ब्रेजा क्यों लेनी चाहिए इस फेस्टिव सीजन में, देखो अगर आपको चाहिए बेस्ट इंजन, क्योंकि 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड मारुति का इंजन आता है यहाँ पे सुजुकी का, इसकी जो लाइफ है बहुत सही होती है, बहुत लो मेंटेनेंस इंजन होता है, कार की जो माइलेज है अपने पूरे सेगमेंट में काफी अच्छी माइलेज आपको प्रोवाइड करती है। अदर देन दैट दोस्तों अगर आप इस कार को 5-6-7 साल बाद चलाकर बेचते भी हो ना तो जो रीसेल है ब्रेजा की हाईएस्ट है। आई मीन लोग कतार में खड़े हुए हैं कि भाई ब्रेजा मिल जाए, जो अभी विटारा ब्रेजा चल रही है आपकी आराम से मक्खन की तरह बिक जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो रीसेल फैक्टर कार का बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत अच्छा पैसा आपको मिल जाता है। अगर हम बात करें कार की ग्राउंड क्लियरेंस की तो 198 mm है, ठीक है, नॉट बैड। अगर हम बात करें कार के बूट स्पेस की, 328 लीटर का बूट स्पेस है, काफी प्रैक्टिकल बूट स्पेस है, आप आराम से अपने यार 5-6 लोगों का सामान लगेज ठूस ठुसा के रख सकते हो। दोस्तों अगर हम बात करें एडवांस फीचर्स की जैसे पैनोरामिक सनरूफ, एडास, वेंटिलेटेड सीट्स, ये सारी चीजें आपको ब्रेजा में नहीं मिलती है। आपको मिलता है HUD हेडसअप डिस्प्ले, पता नहीं भाई इसकी क्या नीड है। बेसिकली ब्रेजा उन लोगों को लेनी है जिनको एक VFM कार चाहिए कि भाई चुपचाप कार चलती रहे, ज्यादा सरदर्द ना हो। इनफैक्ट दोस्तों ये पूरे सेगमेंट में एक लौती कार है जो आपको 9,30,000 रुपए के आसपास 1.5 लीटर का इंजन ऑफर करती है। अब डीजल नहीं आता है पर कार में CNG जरूर आती है। CNG में हालांकि स्पेस नहीं है पर CNG की जो माइलेज ब्रेजा की काफी अच्छी है, बहुत कारगर CNG है, इसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। मैं बताना भूल गया था कि CNG दोस्तों आपको नेक्सॉन में भी आती है, इनफैक्ट नेक्सॉन में EV भी आती है, तो अगर आप देखना चाहो तो भाई उनको भी चेकआउट कर सकते हो। बट वापस आते हैं ब्रेजा पे। सो इन शॉर्ट अगर आपको एक VFM कार चाहिए जिसके अंदर स्टैंडर्ड सेफ्टी मिल जाए, आपको अच्छी माइलेज मिल जाए, कार की पावर ठीक ठाक मिल जाए, कार आपको ऐसी मिले कि भाई हिल्स पे हाईवे पे अच्छा परफॉर्म करे, कार की रीसेल बेटर चाहिए आपको, प्रैक्टिकल बूट स्पेस, बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस, तो उस केस में आप मारुति ब्रेजा की तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई सोनेट और वेन्यू किसको खरीदनी चाहिए। यहाँ पर ये दोनों ना ऑलमोस्ट इक्वल कंटेंडर है क्योंकि ये दोनों कार जो है 1.2 लीटर के इंजन में भी आती है 4 सिलेंडर, ये 1.5 लीटर डीजल में भी मिलती है, और साथ ही में अगर हम बात करें ये आपको 1 लीटर टर्बो में भी देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों दोनों ही कार्स में ना इक्वल सेम ही इंजन लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों में इंजन के यूनिट्स अलग है, इनफैक्ट सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही है। मेन चीज है जो कार का ओवरऑल लेआउट है, कार की जो लुक्स है, द वे
किया प्रेजेंट देयर कार और जैसे हुंडई अपनी कार को प्रेजेंट करते हैं, तो लुक्स के मामले में थोड़ी सी अग्रेसिव और ज्यादा अच्छी आपको सोनेट लग सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा है भाई, सोनेट की बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कार के बूट स्पेस की तो वो भी काफी प्रैक्टिकल आपको सोनेट में देखने को मिल जाता है। रिसेंटली अगर आपने मेरे चैनल पे इन कार्स की रिपोर्ट देखी हो तो हुंडई वेन्यू को सोनेट ने बीट कर दिया है। धीरे धीरे सेल्स का ग्राफ जो है भाई सोनेट के ऊपर जा रहा है, यानी कि लोग कार खरीदने जाते जाते वेन्यू को छोड़ के सोनेट पे कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जा रहे हैं। अब दोनों कार्स की अगर माइलेज की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है क्योंकि दोनों इंजन सेम ही है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन एनकैप से वेन्यू को 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आई थी। कंपैरेटिवली सोनेट का भी कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। हालांकि जो किया कैरेंस है और किया सेल्टोस है, इनका 3 स्टार की रेटिंग आई थी, जबकि ये दोनों कार जो है सोनेट से थोड़ी महंगी है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद 4 या 5 स्टार सोनेट ना ला पाए। अब जब आएगा तब के तब देख लेंगे। सो इन शॉर्ट अगर हम सोनेट और वेन्यू में देखें दोस्तों, तो मेजोरिटी ऑफ चीजें सेम ही है। अगर आपको एक्स्ट्रा बूट स्पेस, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस और कार के लुक्स अग्रेसिव चाहिए तो उस केस में आप सोनेट पे शिफ्ट हो सकते हो। एक थोड़ा सा इशू आपको खाली सर्विस नेटवर्क के अंदर फील हो सकता है, क्योंकि हुंडई का जो सर्विस नेटवर्क है वो काफी सही है। अब कई जगह कई शहरों में हुंडई के अंदर भी आप किया गया सर्विस करवा सकते हो, ऐसा पॉसिबल हुआ है, पर कई जगह शोरूम वाले सर्विस वाले डिनाई भी कर देते हैं, काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि अप्रूवल आएगा, ये वो है। तो ये आप कमेंट करके बताना अगर किसी ने ये कोई चीज फेस करी हो। कहा जाता है 50-50 चल रहा है कि कई जगह तो कर देते हैं सर्विस वगैरह सब कुछ, पर कई जगह भाई कोशिश करते हैं अवॉइड करने की। इनफैक्ट दोस्तों अगर हम पार्ट की लेबर कॉस्ट की बात करें तो किया में आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी वर्सेस हुंडई। तो आई होप आपको सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई होंगी कि दोनों में से कौन सी आपको लेनी चाहिए। दोस्तों लिस्ट की नेक्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी है मारुति फ्रॉन्क्स की, भाई ये किसको खरीदनी चाहिए। देखो फ्रॉन्क्स जो है रिसेंटली फास्टेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी बनी है, जिसमें 2 लाख यूनिट इन्होंने बहुत जल्दी सेल आउट कर दी। अब कॉम्पैक्ट एसयूवी हम बोलते हैं फ्रॉन्क्स को, पर आपको पता है कि थोड़ी सी जो है देखने में हैचबैक लगती है, बट स्टिल जो इसका प्राइस बैंड है वो आता कॉम्पैक्ट एसयूवी में है। मारुति काउंट भी इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी करता है। ग्राउंड क्लियरेंस और टायर की जो प्रोफाइल है वो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे ही डाली हुई है। दोस्तों फ्रॉन्क्स में ना 1.2 लीटर का इंजन मिलता है आपको और 1 लीटर टर्बो भी मिलता है। अब यहाँ पे क्या है ना, 1.2 लीटर भी काफी सफिशिएंट है, क्योंकि जो कार का साइज है उसके हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म करता है। चाहे आप इसे हिल्स पे ले जाओ, हाईवे पे ले जाओ, शहर में चलाओ, मतलब कुछ भी करो, ये ऑलराउंडर कार है देखा जाए तो। इनफैक्ट बलिनो से आई है, पर सेफ्टी रेटिंग जो इसका भी क्रैश टेस्ट कोई नहीं हुआ है, मारुति ने खुद टेस्ट करा, खुद ही को नंबर दे दिए। बट अगर मैं इसकी जो एक ओवरऑल एक्सटीरियर की बिल्ड क्वालिटी है, चाहे बूट हो गया, बोनट डोर्स हो गए, मुझे थोड़े से बेटर लगे इसके बलिनो से, मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी आपको बताया है। अब दोस्तों 1.2 लीटर ना वेन्यू सोनेट में भी आता है, पर जो कार के ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स है, जो कार का साइज है, उसके अकॉर्डिंगली शायद वो थोड़ा सा अंडर पावर फील होता है, पर फ्रॉन्क्स में आपको इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके का डिजाइन है ना, सो ये अच्छी खिंच जाती है कार। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं तीनों कार को कंपेयर करके रीसेल वैल्यू की भी बात करूँ ना, तो सबसे अच्छी और तगड़ी रीसेल आपको फ्रॉन्क्स की मिल जाएगी मारुति ब्रेजा के बाद। काफी डिमांड है फ्रॉन्क्स की ऑलरेडी। के बाद सोनेट और वेन्यू की जो रीसेल है उसमें सोनेट की रीसेल स्लाइटली ऊपर जा रही है वेन्यू से, हालांकि फ्रॉन्क्स की रीसेल ऊपर है वेन्यू सोनेट दोनों की कंबाइंड। दोस्तों लिस्ट की जो नेक्स्ट कार्स है वो है ग्रैंड विटारा और साथ ही में आपकी क्रेटा। अब यहाँ पे मैं दोनों कार्स के बारे में खाली बात करूंगा। देखो लोग अक्सर इन दोनों कार्स में कंफ्यूज रहते हैं, जो बातें मैं क्रेटा के लिए बोल रहा हूँ वो सेल्टोस के लिए एप्लीकेबल होती है, और जो मैं विटारा के लिए कह रहा हूँ वो हाईराइडर के लिए भी एप्लीकेबल होती है। क्रेटा में आपको डीजल के ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाते हैं और विटारा में आपको सीएनजी अवेलेबल होती है। देखो यहाँ पर ना दोनों कार्स के अंदर जो मेजर डिफरेंस ये है कि क्रेटा का ऑलरेडी टेस्ट हो गया है, 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग आई है, विटारा का नहीं हुआ है, पर कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी 3-4 ले आए। बाकी देखते हैं जब टेस्ट रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। अब अगर हम बात करें दोनों कार की रीसेल फैक्टर की, तो क्रेटा और विटारा की जो रीसेल है ऑलमोस्ट सेम है, और जो माइलेज है ना वो आपको थोड़ी सी बेटर विटारा के अंदर मिल सकती है। अभी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 19-20 का फर्क है, पर ऑलवेज जो विटारा की माइलेज ज्यादा आएगी वर्सेस क्रेटा। उसका रीजन ये है कि क्रेटा का इंजन ऑलरेडी जो है थोड़ा सा लो पावर है, 1460 समथिंग का इंजन है। कंपैरेटिवली क्रेटा का इंजन आपको ना थोड़ा सा पैपी लगेगा, पावर सही मेंटेन रखता है। दोनों कार्स के अंदर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है, दोनों ही प्रूवन इंजन है, ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको कोई गड़बड़ लगेगी कोई भी इंजन चलाने में। दोनों इंजन की जो लाइफ है काफी अच्छी है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। सो इन शॉर्ट जो अंत में डिसीजन बचता है वो ये बचता है कि दोनों कार्स की लुक वाइज जो एक ओवरऑल कार की रोड प्रेजेंस होती है, इंटीरियर्स होते हैं, दोनों कार के मुझे इंटीरियर अच्छे लगते हैं, दोनों कार्स के लुक मुझे अच्छी लगती है, तो ये सब्जेक्टिव चीज है कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हो।
सो अदरवाइज दोनों कार में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, प्राइस बैंड भी इनका ऑलमोस्ट सेम चल ही रहा है। एक लास्ट चीज जो क्वेश्चन मुझे अक्सर आता है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है किसकी कम है, तो देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है क्रेटा और विटारा की, बस क्योंकि मारुति के पार्ट्स थोड़े सस्ते होते हैं। सो यहाँ पर भी मैं बोलूंगा आप 5-10% का डिफरेंस मान लो, आप कभी भी काम कराओगे तो 5-10% जो है विटारा आपको सस्ती पड़ेगी मेंटेन करने में वर्सेस क्रेटा। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।